गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, हम लोग देख रहे थे ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर में हम लोग जान लिए थे कि ट्रांसफार्मर क्या है और ये वोल्टेज के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति है, एक स्थिर डिवाइस है जो पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है और वोल्टेज एवं करंट को स्टेप अप एवं स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। इसलिए वोल्टेज के आधार पर ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होते हैं और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप यानी बढ़ाने का कार्य करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटाने का कार्य करता है, स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। अब देखिए आउटपुट के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वह भी दो प्रकार का होता है। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या आधार है? एक तो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर यह कैसा ट्रांसफार्मर है? यह जो ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही बाइंडिंग में दोनों मौजूद होते हैं, उसी को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। जैसे कोई ये बाइंडिंग है, कोई इस प्रकार से बाइंडिंग है, इसी में टैपिंग करके एक दूसरा वायर को निकाल लिया जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो कहलाता है वो प्राइमरी बाइंडिंग कहलाता है और यहाँ से यहाँ जो कहलाता है वो सेकेंडरी बाइंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसी यही ट्रांसफार्मर जो है ये ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसको ऑटो ट्रांसफार्मर के नाम से हम लोग जानते हैं जब एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मौजूद हो, तो वो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर? क्या है? जब एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग मौजूद हो, एक ही वाइंडिंग को दो भागों में बांट कर प्राइमरी और सेकेंडरी बनाया जाता हो, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा जो ट्रांसफार्मर है यह है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यह इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को बोलते हैं जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं? इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं यंत्र में, जैसे वोल्टेज नापना हो, करंट नापना हो, तो इस प्रकार के जो युक्ति में हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर करते हैं। ये भी ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सीटी और दूसरा को बोलते हैं पीटी। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सीटी और दूसरे को बोलते हैं पीटी। सीटी मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, और दूसरे को बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या है? एक को बोलते हैं हम लोग करंट ट्रांसफार्मर तो दूसरे को बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर जब अत्यधिक करंट हो और वहां हमें नापना हो, तो हम लोग जो है करंट ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे और उच्च वोल्टेज को नापने के लिए जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइए हम लोग जो है करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से जानते हैं।
करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर ये क्या है? करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर जो करंट नापने का कार्य करता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक प्रकार से स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। देखिए इस प्रकार से होता है, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 2 से 5 टर्न होती है। कितने होती है? 2 से यानी तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ये सप्लाई है, ठीक है, और इधर लोड लगा हुआ है, लोड जुड़ा हुआ है। ये 2 से 5 टर्न है, इसमें कितने टर्न होते हैं? 2 से 5 टर्न होते हैं। ये प्राइमरी बाइंडिंग होता है और इधर सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। सेकेंडरी बाइंडिंग में ही यहाँ आर्मेचर को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आर्मेचर को हम लोग जोड़ते हैं, ये विद्युत सप्लाई है और इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है, ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये एम्पियर मीटर है। क्या है? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर देखिए काम कैसे करता है। जैसे ही इसमें सप्लाई जाता है तो यहाँ इंडक्शन होता है, और इंडक्शन होने के कारण इसमें उच्च करंट जा रहा है, तो उच्च करंट नापने के लिए सबसे पहले ये वोल्टेज को क्या होगा, स्टेप अप कर देगा। जैसे ही ये वोल्टेज को बढ़ाया, करंट को घटा देगा, और घटा करके वो इसको नाप लेगा कि किस प्रकार से करंट कितना है, यानी कि यह उच्च करंट को निम्न करंट में बदल देता है, और जितना यहाँ टर्न है जिस अनुपात में, उसी अनुपात में इस करंट को गुना कर देते हैं, और वह मान क्या होता है, मान निकल जाता है। जैसे जैसे मान लेते हैं यहाँ इसमें जो है 100 से 500 एम्पीयर तक का करंट जा रहा है, तो ये 100 से 500 एम्पीयर का करंट यहाँ कितना बना देगा, वो 1 एम्पीयर से लेकर के 5 एम्पीयर तक बना देगा, 1 एम्पीयर से लेकर के 5 एम्पीयर तक बना देगा, ठीक है, 100 गुना डिफरेंट होगा। तो हम लोग 2 एम्पियर समझेंगे 200, 1 एम्पियर समझेंगे 100। तो इस प्रकार से ये करंट को क्या करता है, कम कर देता है। इसीलिए पूछा जाता है कि करंट ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। विशेष आपको उतना नहीं जानना है, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि करंट ट्रांसफार्मर में कैसा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को नापता है, तो उच्च करंट को ये क्या करेगा, निम्न करेगा, उच्च करंट को निम्न करके ये माप लेता है। तो जब कोई ट्रांसफार्मर करंट को निम्न करता हो, करंट को घटाता हो, तो वोल्टेज को उसी अनुपात में बढ़ाएगा, यानी कि ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो इसके जरिए ज्यादा लंबा है, और प्राइमरी वाइंडिंग 2 से 5 टर्न है, यानी कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी करंट ट्रांसफार्मर जो है कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा होता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक। उसी प्रकार दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर,
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये क्या करेगा, ये उच्च वोल्टेज है उसको निम्न वोल्टेज करके मापेगा। क्या करेगा, उच्च वोल्टेज है उसको निम्न वोल्टेज करके मापेगा, यानी कि इसी ट्रांसफार्मर को अगर उल्टा कर दें और वोल्टमीटर यहाँ लगा दें, यानी कि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी 2 से 5 टर्न होगी और यहाँ हम लोग वोल्टमीटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ हम लोग वोल्टमीटर लगाएंगे और जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी वह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वो क्या होगी, ज्यादा टर्न का इस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार से, इसी प्रकार से होगा, इधर हम लोग लोड देंगे इधर देंगे। तो ये क्या करता है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है, प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा टर्न की है और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, कम टर्न की है। लेकिन इसकी प्राइमरी बाइंडिंग कम, सेकेंडरी बाइंडिंग ज्यादा, इसका प्राइमरी बाइंडिंग ज्यादा, सेकेंडरी बाइंडिंग कम, मतलब इसी का ये उल्टा, इसी को अगर उल्टा करके एमीटर यहाँ जुड़ा हुआ है, हम लोग वोल्टमीटर जोड़ दें, जिससे सप्लाई जोड़ दें, तो वो कहलाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज नापने का कार्य करता है। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है कैसा होता है, आप देख रहे हैं कि प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। वोल्टेज को जब ये कम करेगा तो इसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, इसको हम लोग जो है स्टेप डाउन, समझे कि नहीं समझे, एक बार आप फिर शुरू से सुनिए, क्योंकि हमारा आदत है कि एक ही चीज को कई बार बोलना। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़े, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति है, एक स्थिर डिवाइस है जो पावर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है और वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरे को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर वैसे ट्रांसफार्मर को कहेंगे जो एक ही वाइंडिंग हो और एक ही वाइंडिंग में बांट करके सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों बन जाता हो, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग हो, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जब हम लोग उसको इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, वोल्टेज और करंट को नापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च करंट या उच्च वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, दूसरे को बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर करंट नापने का कार्य करता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज नापने का कार्य करता है। करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये था शुरू से लेकर अंत तक, आगे इसी प्रकार से हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।